हे एवरीवन, आज हम बनाएंगे वेज मोमोज। तो इसका आटा बनाने के लिए आप मैदे में थोड़ा सा तेल, नमक और पानी डाल के उसका एक सॉफ्ट डो बना लीजिए और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे मोमोज की फिलिंग। तो इसके लिए आप एक पैन में ऑयल गरम कीजिए, उसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालिए, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करिए और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज डाल के इसे 3-4 मिनट के लिए आप पका लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेट की हुई गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च। सबको अच्छे से 5-7 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे इसकी रॉनेस ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। अब ये पक जाएगा तो इसमें ऐड करिए काली मिर्च और नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, रेड चिली सॉस और विनेगर और इसे फिर से थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अब फिलिंग को पूरी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम तैयार आटे की छोटी छोटी पूरी बनाएंगे, उसमें इसे फिल करके मोदक का शेप देते हुए सील कर लेंगे। कुछ इस तरह से आप सारी फिलिंग का यूज़ करके अपने मोमोज बना लीजिए और फिर उसे आप स्टीम करिए कुछ 15-20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट बाद आप चेक करेंगे कि मोमोज बनके तैयार हो गए हैं। उसके बाद आप इसे रेड गार्लिक चटनी के साथ सर्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को टू गेट बेस्ट होम रेमेडीज एंड फूड रेसिपीज। यू नेक्स्ट वीडियो।